बीएन गर्ल्स कॉलेज में 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव मुमल कार्यक्रम का समापन। बीएनपीजी गर्ल्स कॉलेज में के 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम मुमल का समापन सत्र प्राचार्य डॉक्टर अर्पणा शर्मा ने बेस्ट स्टूडेंट प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय का सर्वाधिक लोकप्रिय बेस्ट स्टूडेंट खिताब प्रथम वर्ष विज्ञान की छात्रा जाह्नवी चारण को हासिल हुआ, जिसे प्रबंध निदेशक मोहब्बत सिंह रूपाखेड़ी ने ताज पहनाया एवं मंत्री विद्या प्रचारिणी सभा डॉक्टर महेंद्र सिंह आगरिया, संयुक्त मंत्री शक्ति सिंह कारोही, चेयरमैन कुलदीप सिंह ताल ने ट्रॉफी शेषे एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। प्रथम रनर अप तृतीय वर्ष विज्ञान की छात्रा दीक्षा सिंह तथा द्वितीय रनर अप द्वितीय वर्ष विज्ञान की छात्रा निशा कुमावत रही। बेस्ट स्टूडेंट प्रतियोगिता में 37 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उपाचार्य डॉक्टर इंद्र सिंह राठौर ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला प्रमुख श्रीमती रत्नी देवी जाट थी, जिन्होंने महाविद्यालय के महिला उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान को बताते हुए छात्राओं को खेलकूद एवं अकादमिक उपलब्धियों के लिए बधाई दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्या प्रचारिणी सभा उदयपुर के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौर ने की। विशिष्ट अतिथि देवगढ़ पंचायत समिति प्रधान कल्पना कुंवर थी। समाज सेवी माधव चौधरी, पूर्व संयुक्त मंत्री पद्म सिंह चुंडावत, निजी सहायक सांसद विकास चौधरी, श्री द्वारकाधीश मंदिर काकरोली अधिकारी भगवतीलाल पालीवाल, सहायक अधिकारी श्री गणेश लाल सांचीहर थे। आयोजन सचिव डॉक्टर सुमन्ना श्रीमाली ने बताया कि बेस्ट स्टूडेंट प्रतियोगिता के निर्णायक गणों में फेमस यूट्यूबर जिगीसा जोशी फादर बेसिल थे। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर कमलेश पालीवाल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। राजसमंद के गिरीश त्रिवेदी का जयपुर में हुआ सम्मान। ज्योतिष वेदांग संस्कृत संस्थान जयपुर द्वारा 26 व 27 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय ज्योतिष संगोष्ठी एवं नव संवत्सर पंचांग पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उद्घाटन सत्र में राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, गलता पीठाधीश्वर राघवाचार्य महाराज, पीके गोयल, अतिरिक्त शिक्षा सचिव राजस्थान सरकार सुरेश मिश्रा की मौजूदगी में देश भर से विद्वानों ने वैदिक ज्योतिष से संबंधित अपने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। 27 मार्च को समापन समारोह में जयपुर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर, संस्था अध्यक्ष कीर्ति शर्मा, डॉक्टर राजेश पुनिया, संस्कृत विभाग अध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय डॉक्टर सुदर्शन शांडिल्य, श्री राम संस्कृत महाविद्यालय बिहार के द्वारा राजसमंद के राजावास निवासी गिरीश त्रिवेदी को ज्योतिष रत्न से सम्मानित किया गया। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। दलित सरपंच ने लगाया अपमानित करने का आरोप, ग्रामीणों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। राजसमंद जिले की घाटी ग्राम पंचायत उप सरपंच की तानाशाही के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। दलित सरपंच ने अपमानित करने का आरोप लगाते हुए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर जिला कलेक्टर और SP को ज्ञापन सौंपकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। घाटी सरपंच कमला देवी ने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले दिनों घाटी की नई पंचायत घोषित किया, जिसमें खाकलिया खेड़ा निवासी विजय प्रकाश सनाड्य उप सरपंच चुने गए, लेकिन विजय प्रकाश पंचायत के विकास को लेकर गंभीर नहीं है और विकास के अवरुद्ध कर रहे हैं। 28 तारीख को पंचायत की ग्राम सभा में वह अपने साथ बड़ी संख्या में लोगों को लेकर पहुंचे और ग्राम सभा में मौजूद सरपंच पुत्र और एक अन्य व्यक्ति के साथ मारपीट की। ऐसे में सरपंच ने जिला कलेक्टर और SP से मिलकर अपने और अपने परिवार की जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। दलित सरपंच ने बताया कि उन्हें कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता है और अपमानित किया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि उप सरपंच पंचायत भवन को मुख्यालय घाटी की जगह अपने गांव खागलिया खेड़ा में बिल्डिंग बनाने पर अड़े हुए हैं और इसी बात को लेकर वह ग्रामीणों को लगातार डरा धमका रहे हैं। ऐसे में पंचायत का विकास अवरुद्ध हो गया है। अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्टर का घेराव किया और पंचायत भवन मुख्यालय के अलावा अन्यत्र बनाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। तो गांव पे आया कूट मार किदा, एक मार बच्चा नहीं मरियो, बार बार धमकी देता है। मुँह नीचे जाते की हूँ वे उन कहता हमारे जोर पे कुर्सी पे नहीं बैठो, आप नीचे बैठो। मन जोर आ रही है जो सेन कराता वे के धमकी दे देन। हमारे घर है एक पाड़े मन खतरो है, महिला है हूँ जो मैं रात भरे थे आन रात में मार पीट कर जगा दे। मार है जो मुखिया पे घाटी सुनने नहीं चली रही, भगवान मुखिया पे सुनने नहीं चाह रही।
बेवो के वे बटे स्टेशन खाकले केड़े बटे मेला में बटे स्टेशन पे बणो मा बटे बटी सणाना सहीरा काटी मिस मुल जे चपिस पवन पंचायत ग्राम पंचायत घाटी नवी बनी है तो राज्य सरकार से हमारी पंचायत घाटी का नाम से इशू हो गई कि भाई ग्राम पंचायत घाटी। तो सर उसके बाद में हमारा चुनाव सरपंचों का चुनाव भी हो चुका और हमारे एक एसी की सीट आई थी कमला देवी को सरपंच बना दिया हमने। तो उसके बाद में सर एक कोई विजय प्रकाश सन्याडा है खांगला खेड़ा का निवासी है वो सर हमारे पीछे इतना गजब का लगा हुआ है ना तो हमारा विकास होने देता है ना हमारा कुछ होने देता है और ना तो विकास होने देता है ना कुछ होने देता है सर। उसके बाद में वो ये चाहता है कि मतलब किसी लड़के को जवान जवान आदमियों को मॉल खरीद खरीद के ला करके हमारे साथ में मारपीट करवाता है। वो ये कहता है कि भाई पंचायत भवन जो भी बनेगा वो तुम्हारे यहाँ ग्राम पंचायत मुख्यालय के अंदर मैं नहीं बनने दूंगा, मैं बनाऊंगा अपने स्टेशन मेला ग्राउंड के अंदर। इंटेक यूनियन मजदूरों ने किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। देश के विभिन्न श्रमिक संगठनों के राष्ट्रव्यापी आंदोलन की कड़ी में राजसमंद जिले में इंटक यूनियन ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रमुख तौर पर 22 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की गुहार लगाई। इंटक जिलाध्यक्ष चुन्नीलाल पंचोली ने बताया कि केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के कारण देश के प्रमुख संगठनों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। इसी कड़ी में आज इंटक के बैनर तले कामगारों ने 22 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को ज्ञापन सौंपा, जिसमें श्रमिक विरोधी कानून वापस लेने और श्रमिक को पूरा मेहनताना मिलने और उनकी अन्य मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। मोही वृद्धाश्रम का किया निरीक्षण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने मीरा विद्या प्रसार संस्था द्वारा संचालित मोही वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया, जहां मौके पर कार्मिक नीलम रेगर उपस्थित मिली तथा गृह प्रभारी एवं अन्य सभी कार्मिक नदारद मिले। निरीक्षण के दौरान नीलम रेगर ने भोजन के लिए चपाती चावल एवं राजमा की सब्जी तैयार की जा रही थी, रसोई में अत्यधिक मात्रा में मक्खियाँ मिली, जिस पर सचिव वैष्णव ने वृद्धाश्रम में सफाई व्यवस्था सुधारने के सख्त निर्देश दिए एवं वृद्धजनों से संवाद भी किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने आरके अस्पताल के परिसर में संचालित वन स्टॉप सेंटर सखी का निरीक्षण किया, जहां पर स्टाफ नदारद मिले इस पर चिंता जाहिर करते हुए रजिस्टर में इंदिराज समय पर करने के लिए पाबंद किया। निरीक्षण के दौरान महिला कार्मिक सुमित्रा बोरीबाल कंचन यादव मौजूद मिली। सेंटर पर कुल 17 का स्टाफ हैं जिनकी ड्यूटी शिफ्टवार लगाई गई हैं, लेकिन निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी गायब मिले। कार्मिक उपस्थिति रजिस्टर चेक किया तो पता चला कि गत दिवस में अनुपस्थित कार्मिकों की अनुपस्थिति दर्ज ही नहीं की गई, जिस पर वैष्णव ने समय पर नियमानुसार रजिस्टर में इंदिराज करने के सख्त निर्देश दिए। कार्मिकों द्वारा बताया कि इस महीने कुल 5 प्रकरण दर्ज किए गए एवं 2 महिलाओं ने सेंटर पर रात्रि आश्रय लिया। सेंटर पर निरीक्षण के समय एक महिला आश्रय पाई गई। वैष्णव ने आश्रयरत महिला से संवाद कर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी। गणगौर मेले को लेकर तैयारियां शुरू, राजसमंद नगर परिषद की ओर से 2 वर्ष बाद आयोजित होने जा रहे गणगौर महोत्सव और मेले में इस बार कई कलाकार श्रद्धालुओं को अपनी कला से न सिर्फ अपनी ओर आकर्षित करेंगे बल्कि भारतीय संस्कृति के कई अछूते रंगों से भी उनका परिचय करवाएंगे। नगर परिषद सभापति अशोक टांग ने बताया कि मेले में अब कुछ ही दिन शेष रहते मेला ग्राउंड के साथ ही सवारी के मार्ग में तैयारियाँ जोरों पर चल रही हैं। मार्ग में डेकोरेशन किया जा रहा है, वहीं ग्राउंड में भी डेकोरेशन और लाइटिंग के साथ ही पांडाल एवं स्टेज निर्माण का कार्य जोरों पर चल रहा है, जबकि डॉलर चक्री वालों ने भी अपना काम शुरू कर दिया है।